गुजरात में प्रचार की शुरुआत से पहले ही पीएम ने मुद्दों की दिशा तय कर दी है। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण के बहाने पीएम ने करारा प्रहार किया है और कहा है कि जब तक वो जिंदा हैं, धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देंगे। ये कांग्रेस वालों को हमारे मराठी भाई बहन या हमारे लिंगायत भाई बहन, इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। जब तक मोदी जिंदा है, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। आरक्षण पर फेक वीडियो के सहारे वोट बटोरने की आस लगाए कांग्रेस पर पीएम ने करारा प्रहार करते हुए तंज किया कि मोहब्बत की दुकान में अब फेक वीडियो बेच रहे हैं और ऐसे में झूठ की ये दुकान बंद होनी चाहिए। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। भाइयों बहनों, ये झूठ की दुकान वाले ये जो फेक वीडियो निकाल करके तालियां बजा रहे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। आरक्षण, मुस्लिम तुष्टिकरण के अलावा संविधान का मुद्दा भी तीसरे चरण में जोरों पर है। राहुल चुनाव प्रचार में नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को संविधान के प्रति साथ लेकर चलने की नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने बिना नाम लिए उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है। आरक्षण दलितों, आदिवासी, ओबीसी के लिए होगा, औरों के लिए नहीं होगा। लेकिन आज ये साहबजादे और उनकी चौकड़ी बाबा साहब अम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक रही है। चुनाव प्रचार के दौरान भय और भ्रम की राजनीति पर भी पीएम ने प्रहार किया है और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के 5 एजेंडे भी सामने रखे हैं। पहला, झूठे नारे, झूठे वादे। दूसरा, वोट बैंक की राजनीति। तीसरा, माफियाओं, अपराधियों को बढ़ावा। चौथा, परिवारवाद। और पांचवा, करप्शन। इन 5 निशानों से मिलकर कांग्रेस का पंजा बनता है। जाहिर है पीएम मोदी चुन चुन कर हर उस हमले का जवाब दे रहे हैं जिनके आरोप विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष के प्रोपेगेंडा पर करारा सियासी पलटवार लगातार कर रहे हैं पीएम मोदी। अब गेंद जनता के पाले में है, किसके वादों दावों में कितना दम है और किसकी नीयत पर जनता को भरोसा है, सब 4 जून को साफ हो जाएगा। 4 जून को 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार के नारे का सच भी सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बात अब चुनाव प्रचार की करेंगे। दरअसल जोर शोर से अब तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हो रहा है, जिसमें सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो गुजरात में प्रधानमंत्री का 2 दिनों का दौरा, जिसमें वो 6 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री के इन 2 दिनों के दौरे पर सबसे ज्यादा दामोदर इस बात को तय करता है कि कैसे बीजेपी मिशन गुजरात को सक्सेस बनाएगी। दरअसल आज डीसा हिम्मतनगर में प्रधानमंत्री की रैली है। आज की बात अगर करें तो डीसा और हिम्मतनगर कल 4 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा प्रचार करने वाले हैं। आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर, ये वो 4 जगह हैं जहां पर प्रधानमंत्री के कल कार्यक्रम हैं। छत्तीसगढ़, कर्नाटक में अमित शाह प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो तीसरे चरण में अमित शाह कहां रहेंगे? दरअसल छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में अमित शाह की रैलियां हैं, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। सुबह करीब 11:30 बजे
कोरबा में अमित शाह की रैली होगी, दोपहर 3:30 बजे हावेरी में अमित शाह की ये रैली जिसमें रोड शो भी है और इस रोड शो पर सबकी नजरें हैं। शाम 5:30 बजे धारवाड़ में अमित शाह की रैली होनी है। शाम 7:30 बजे हैदराबाद में अमित शाह का रोड शो होना है ओवैसी के गढ़ में। बात योगी आदित्यनाथ की करें तो महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ आज तूफानी प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। आज महाराष्ट्र के सोलापुर सांगली हथकंगली में योगी आदित्यनाथ की रैलियां होनी है जिस पर हमारी नजरें भी टिकी रहेंगी। सोलापुर में 3 बजे जबकि सांगली में 5 बजे योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। बदायूं और आगरा में राजनाथ सिंह आज आपको प्रचार करते हुए नजर आएंगे और बदायूं आगरा के जरिए मिशन यूपी पर राजनाथ सिंह की आज 2 रैलियां होनी है जिस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। बात अगर अनुराग ठाकुर की करें तो बस्ती सिद्धार्थनगर ये वो दो जगह उत्तर प्रदेश में जहां पर आज अनुराग ठाकुर आपको प्रचार करते हुए नजर आएंगे। डुमरियागंज से जगदंबिका के पक्ष में वो रैली करेंगे। अयोध्या में पुष्कर सिंह धामी का रोड शो होगा आज। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, अयोध्या में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का रोड शो है। दोपहर 1:30 बजे का वो वक्त होगा जब पुष्कर सिंह धामी आपको अयोध्या यानी कि राम की नगरी में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। बात अब विपक्ष की करें तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मैनपुरी में जोरदार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। दरअसल डिंपल यादव के समर्थन में अखिलेश यादव आज 3 रैलियों को करने वाले हैं और इन 3 रैलियों पर हमारी नजरें रहेंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम की अगर बात करें तो फतेहपुर सिद्धार्थनगर के दौरे पर ब्रजेश पाठक आज रहेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में प्रचार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आने वाले हैं। जगदंबिका पाल के पक्ष में भी ब्रजेश पाठक आज प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे लेकिन ये सबसे बड़ी अपडेट चुनाव को लेकर। अगली बड़ी खबर क्या है सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी गायत्री का। गायत्री बिल्कुल तीसरे चरण से पहले अगर हम बात करें तो जो सियासी रण है वो सच चुका है। लगातार जोर आजमाइश हो रही है तमाम दलों की तरफ से और जुबानी जंग भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे, ममता सरकार से तुष्टीकरण को लेकर सुलगते सवाल भी किए। 24 का रण है और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ममता सरकार पर सियासी प्रहार, जंग जोरदार, जारी वार पलटवार।